इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चांदी के चौरस टुकड़े को चांदी की चेन में पहनने के अनेकों फायदे और करोड़पति बनाने में ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चांदी का जो चौरस टुकड़ा होता है उसमें आपके दो ग्रह जो हैं वो बहुत मजबूती से जो हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि हैं चंद्रमा और मंगल। चांदी जो है चंद्रमा का कारक है और उसकी जो चौरस शेप है वो चौरस शेप मंगल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसमें कई डायमेंशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके फायदे सुनते हैं। चांदी के चौरस टुकड़ा अपने पास रखने से आपके चंद्र और मंगल ग्रह मजबूत हो जाते हैं। चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग करने से क्या होता है कि आपके जो लिक्विड कैश है ये आपके पास खुल के आना शुरू हो जाता है, और मंगल ग्रह के मजबूत होने से आपके जो फायदा देने वाले जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो आपके कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें आपकी बातें ज्यादा समझ में आनी शुरू हो जाती हैं और वो लोग आपके साथ कारोबार करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जब आप चांदी के चौरस टुकड़े को चांदी की चेन में गले में धारण करते हैं तो ये आपके कुंडली के पहले भाव में स्थापित हुआ माना जाता है, और जब चंद्रमा लगन में स्थापित हो तो बहुत खुल करके पैसा आता है। आपकी डेली इनकम जो है वो बहुत खुलकर चलनी शुरू हो जाती है, जो रुके फंसे काम होते हैं आसानी से होने शुरू हो जाते हैं। इससे आप बहुत ज्यादा कारोबार की तरफ कॉन्शियस होकर के आप डिसीजन लेते हैं, आपका ध्यान आपके काम में टिक जाता है। तो जिन लोगों का अपने काम में ध्यान नहीं लगता या जिन बच्चों का उनकी विद्या में ध्यान नहीं लगता, उन लोगों के लिए भी ये चांदी का चौरस टुकड़ा बहुत कमाल का साबित होता है। जब आप मंगल को यानी कि चांदी के चौरस टुकड़े को जब आप लगन में स्थापित कर लेते हैं, गले में धारण कर लेते हैं, स्पेशली चांदी की चेन में धारण कर लेते हैं, तो उस वक्त आपके जितने भी लोग आपके ऑरा में आते हैं, जो लोग भी आपके साथ कोई भी डीलिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं तो लोग आपको इग्नोर नहीं करते, आपकी तरफ बहुत जल्दी वशीभूत होना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों का आपके साथ काम करके मन खुश रहता है और आपके साथ जो आपकी पेमेंट्स हैं वो भी आपको टाइमली देना शुरू कर देते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी ये टुकड़ा गले में पहनकर बहुत जल्दी कारोबार करने की तरफ उनकी जो रुझान है वो बढ़ जाता है। जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही उन लोगों को भी नौकरी जो है वो आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं और उनके पास फुटफॉल नहीं आता तो वो लोग भी इस चांदी के चौरस टुकड़े को गले में पहन करके फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका फुटफॉल बढ़ जाता है, आपके पास लोग आपके काम को लेकर के जरूर आना शुरू हो जाते हैं और आपके साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप जब ये चीजें गले में धारण कर लेते हैं तो आपका राहु जो है वो कुंडली में जहां पर भी होगा बहुत ही कंट्रोल अवस्था में हो जाता है। उसके दुष्प्रभाव जो कि होता है कि अड़चने पैदा करना, तो राहु भी आपकी कुंडली में बहुत शांत अवस्था में पहुंच जाता है। वैसे भी कहा गया है कि राहु का भूचाल जो है वो चंद्रमा के आगे नहीं बढ़ता, तो जब आप गले में ही चांदी का चौरस टुकड़ा धारण कर लेते हैं तो वो भूचाल जो है राहु का, जो कि उठना है यानी कि आपके विचार जो हैं जब वो आपके कारोबार से अलग तरीके से हटना शुरू हो जाते हैं, आपको आलसी बनाने वाले जो राहु के विचार होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं और आपका ध्यान कारोबार में जमा रहता है, आपका मन लगा रहता है, आपको सारे सारा दिन पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया। और इस टुकड़े को गले में पहनकर आप अपने कारोबार में कॉन्शियस होके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बना लेते हैं। इस टुकड़े को गले में धारण करने से हेल्थ में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि चंद्र मंगल जो हैं वो आपके ब्लड और उसकी स्पीड को भी टारगेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसलिए जिन लोगों को हेल्थ की समस्याएं आती हैं, जिन लोगों को ब्लड की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, या जो लेडीज हैं जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उन लोगों के लिए भी ये टुकड़ा बहुत फायदेमंद साबित होता है। जिन बच्चों को छोटी छोटी कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ चोट लगी रहती है, खास करके 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं,
उन लोगों को तो अस्पतालों के चक्कर लगे ही रहते हैं, बच्चा दवाइयों पे ही लगा रहता है, तो अगर उस बच्चे के गले में भी चांदी का चौरस टुकड़ा पहना दिया जाए तो वो भी दवाइयों से काफी हद तक परे हट जाता है, उसकी सेहत जो है वो काफी सुधार उस बच्चे की सेहत में आना शुरू हो जाता है। और जब चांदी की चेन आप गले में पहनते हैं तो इससे और क्या फायदा होगा, वो ये है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, घर में कला कलेश की भावना बनी रहती है, उन लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी इस चांदी के टुकड़े से शांत हो जाता है। ऐसे लोग सोचना और समझने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कलेश जो है उसको टाला जा सकता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उनका, तो जब ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, चाहे वो कर्जे की वजह से डिप्रेशन में है, चाहे वो किसी अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन में है, या मैरिड लाइफ की वजह से डिप्रेशन में है, जिनके विचार काम नहीं कर रहे, मन खुश नहीं हो रहा, अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले रहना महसूस करते हैं, वो लोग भी अगर चांदी की चेन में चांदी के चौरस टुकड़े को धारण करें तो वो उस डिप्रेशन की स्थिति में से भी बाहर आ सकते हैं। तो इस चांदी के चौरस टुकड़े की जो प्रॉपर डायमेंशंस या पहनने की विधि है वो भी मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। तो वो है कि चांदी का जो टुकड़ा होगा उसको आपने 1 इंच बाय 1 इंच साइज का बनवाना है, और इसका वेट जो है 8 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, 8 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इसको आपने किसी भी चांदी के चौरस टुकड़े की जो कॉर्नर्स हैं वो तीखी होनी चाहिए। जब 8 ग्राम से ऊपर वेट का जब आप चांदी का चौरस टुकड़ा बनवाएंगे तो उसके तीखापन जो है वो कहीं पर चुभता नहीं, कट नहीं लगता, इसलिए इस वहम से भी दूर रहिएगा। और जब आप इसको पहनना कैसे है कि आपने इस चौरस टुकड़े में किसी एक कॉर्नर पर छेद करवा के उसमें चांदी की हुक बनवा के उसको चांदी की चेन में पहनना है। इसको कहीं पर भी टांका नहीं लगा होना चाहिए, अगर इसको कहीं पर भी टांका लग जाए तो वो चांदी का जो स्क्वायर टुकड़ा है उसमें बुध की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है, जो कि फेवरेबल नहीं है। इसलिए चांदी के चौरस टुकड़े में कहीं पर भी कॉर्नर में होल करवा के उसमें चांदी की हुक पिरो के फिर उसको चांदी की चेन में धारण करें, और सोमवार वाले दिन सुबह उठ के नहा धो के इसको दूध में धो के अपनी माता से आशीर्वाद लेकर के इसको सफेद कपड़े पहन करके इसे धारण करना चाहिए, और अपने गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करके शिव मंदिर मत्था टेक करके इसको श्रद्धा पूर्वक पहनिए, आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं वो मेरे इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि स्क्रोलिंग में है। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस लेकर के मैं हर रोज आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।